7 देखिए, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहे द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ एक थ्योरी लिख दी क्या, और इस रेडियस 9, जब रेडियस इन्होंने 9 मीटर मेजर करी तो एरर कितना आया, 0.03 मीटर। ठीक है, तो अपने यहाँ थ्योरी लिखी अपने सॉल्यूशन में, आप भी लिखेंगे अपनी कॉपी में। एग्जाम में लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चन में। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड डेल्टा आर बी द एरर इन मेजरिंग द रेडियस, देन आर इज इक्वल टू 9 मीटर और डेल्टा आर क्या होगी, एरर। अब इस एरर में मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया, ठीक है, आप लगाओ चाहे ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता है। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू 0.03, यही क्या चेंज इन डेल्टा आर, मतलब रेडियस में एरर है। डेल्टा आर किसको दिखा रहा है, एरर इन रेडियस, तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब कह रहा है कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया। हाँ भाई, स्फीयर जो गोला होता है बॉल जैसा, उसका सरफेस एरिया आपने क्या पढ़ा हुआ है क्लास 9th 10th में, स्फीयर का अगर सरफेस एरिया एस हो तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता था 4πr², याद है। इसको हमने सपोज 1 बनाया, अब यहाँ से इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो ds बाय dr r के रिस्पेक्ट में। आप अपनी कॉपी में लिखोगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू r, तो ds बाय dr इज इक्वल टू 4π, तो कांस्टेंट है, और r स्क्वायर का r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आगे। ठीक है, तो यहाँ 2 आगे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2r आ जाएगा, 2r, और 2 को हमने आगे लिखा तो ये हो गया 2 4 8 8πr, ये हो गया। ठीक है, अब निकालना क्या है आपको, पढ़िए जरा, अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया। ठीक, तो अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया को हम ds से दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे, ds, यही क्या है ds, ये है अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया। ओके भाई, आप चेक करो ना सरफेस एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, तो डेल्टा वाई की जगह क्या आ जाएगा, डी एस इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या जाएगा, डी एस बाई डी आर, क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, इन टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा आर। तो जब रेडियस में एरर आएगी तो अप्रॉक्सीमेट एरर आएगी किसमें, सरफेस एरिया में, तो उसको निकालते हैं, डी एस बाई डी आर आपने अभी भी निकाला है, लेकिन इस डी एस बाई डी आर को, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, रेडियस, ये निकालना है आपको, रेडियस कितना लिया इन्होंने यहाँ पे 9, तो इसमें आप 9 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 9 रखो यहाँ, 8 9 72, यानी कि 72π आ जाएगा। ठीक है, तो डी एस बाई डी आर एट आर इज इक्वल्स टू 9 इज 72π इन टू वॉट इज डेल्टा आर, डेल्टा आर इज 0.03, करेक्ट। अब तो डी एस बाई डी आर क्या हो गया, 72π इंटू डेल्टा आर कितना है, 0.06, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 3 2 6 और 3 7 21 और पीछे से 12 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कि 2.16 और साथ में पाई, यूनिट क्या आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट एरर इन सरफेस एरिया। देखो अगर लेंथ मीटर में, मतलब लेंथ रेडियस भी तो लेंथ है ना, तो एरिया आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या चेंज इन एरिया कुछ भी हो, चेंज इन एरिया हो, सरफेस एरिया हो, कोई भी एरिया हो, वो उसका यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन सरफेस एरिया या फिर अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। अब आप फाइनल आंसर कैसे करोगे, आप फाइनल आंसर इस तरीके से करोगे, द ऐसे लिखोगे, लिखना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में लैंग्वेज, हेंस द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया इज 2.16π मीटर स्क्वायर।